आजमगढ़ उत्तरप्रदेश से बड़ी खबर, विद्युत तार की चपेट में आने से युवक बुरी तरह से झुलसा। बता दें कि दरबरा गांव निवासी पीयूष पुत्र मनोज, जिनकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, जो अपने गाय को बांधने के लिए जा रहे थे, ऊपर विद्युत तार की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गए। विद्युत तार जमीन के काफ़ी नज़दीक था, जिसकी चपेट में आने से पीयूष बुरी तरह से झुलस गया और बेहोश हो गया। आनन फानन परिवार वालों ने उसे सौसैया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिवार वालों के अनुसार विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से यह घटना घटी। बिजली का तार जमीन से काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घट सकती है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। परिवार वालों का कहना है कि विद्युत विभाग पूरी तरह से लापरवाही की चरम सीमा पर चल रहा है, जिसके कारण यह घटना घटी। परिवार वालों ने बताया कि संयोग अच्छा था, जिसके कारण सिर्फ घायल ही हुए हैं। तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा समय से इलाज मिला और हालत स्थिर है। रामनाथ राजू की स्पेशल रिपोर्ट अतरौलिया से। इतना नीचे किसी को इतना गैस भी नहीं होगा कि वायर ऊपर है और जिसके कारण से ये टच हुए, क्या हुए, इतना मैं केयर नहीं देख पाया। पीछे था इनके, जब ये नीचे गिर गए तो मैं देख रहा हूँ कि ऊपर बिजली का तार। तो कितने हजार वोल्ट का तार था वो जो? ये एग्जैक्ट तो है, अच्छा। बिजली विभाग को मालूम। तो क्या मतलब तार आपका बहुत नीचे था? हाँ, तार बहुत ही नीचे, मतलब एक नॉर्मल सा इंसान भी उसको हाथ से छू सकता है, हाथ ऊपर कर ले तो टच हो गया, इतना नीचे वायर। तो क्या कभी कोई कंप्लेन हुई तार नीचे है? कोई कंप्लेन नहीं है अभी तक, तो तुरंत यहाँ पे हम हॉस्पिटल लेके आए हैं जी। और किसी प्रकार वहाँ पे खड़ी फसल है, बाय द वे अगर टच हो जाए तो पूरी किसान की फसल जल जाए, इंसान मर जाए। और अगर मैं उसके पीछे नहीं होता, अगर जस्ट पीछे नहीं होता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता बचा, क्योंकि वो बेहोश हो गया, वहाँ चक्कर आके गिर गया, शरीर अकड़ गया। तो हम फटाफट अपनी किस गांव के रहने वाले हैं? बाबा गांव दरबरा। दरबरा ना?